रतलाम के सागौद रोड स्थित कन्या शिक्षा परिसर की नवी कक्षा की छात्रा हॉस्टल की चौथी मंजिल से नीचे गिर गई। आनन फानन में रतलाम के जिला अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजन बारीकी से जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद 14 साल की नवी कक्षा की छात्रा कृष्णा को रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कृष्णा की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। इलाज के दौरान शाम 5 बजे छात्रा ने दम तोड़ दिया। मृतिका कृष्णा गांव सालरा डोजा तहसील बाजना जिला रतलाम की रहने वाली थी। वह रतलाम के सागौद रोड स्थित कन्या शिक्षा परिसर की नवी कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। मृतिका के पिता बहादुर डामोर गांव में खेती करते हैं। मृतिका अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की बहन थी। मृतिका के पिता ने छात्रा की मौत पर संदेह व्यक्त किया है और जांच की मांग की है। पुलिस ने बताया कि छात्रा ने सुसाइड किया है, लेकिन परिजनों की बताए संदेह पर जांच की जाएगी। बादल जी, कब आपको जानकारी मिली थी आपकी गुड़िया के साथ ऐसा हुआ है? क्या मेरे को जानकारी मिली 2/29 पे। हाँ, सुनीता मैडम का, वो भी हॉस्टल वार्डन है, उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी बालिका की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी आ जाइए। मैंने बोला मैडम क्या हुआ मेरे को बताओ। उन्होंने बताया नहीं, मतलब आप जल्दी आ जाइए। जैसे आया वहाँ से, घर से तैयार होकर मैं खेत से काम करता हूँ, खेती बाड़ी कर काश्तकार हूँ। खेत से वापस आया घर पे आने के बाद कपड़े वपड़े पहन के तैयार होकर थी, जिससे मैं आया। आने के बाद मेरे परिवार से एक दूसरे सूर्य रतलाम में भी रहते, मेरे बहन रहती है, उनको सूचना की कि आप, मैं थोड़ा यहाँ से आने पे मेरा टाइम लगेगा, आप तुरंत पहुँचो वहाँ पे अस्पताल में। जी, तो मैडम को बोला कि मैडम मैं मेरे बालिका किस जगह अभी, तो उन्होंने बोला अस्पताल पहुँचा दिया है। तो मैंने बोला कौन सा अस्पताल? सरकारी अस्पताल में है। मैंने बोला ठीक है, तो मैं आ ही रहा हूँ वहाँ। फिर वहाँ से जैसे आया मैं यहाँ से, वहाँ से आने में करीब लगभग कितने बजे आ गया मैं यहाँ पे? 4:30-5 आप 5 बजे करीब आ गई। 5 बजे के समथिंग मतलब आ गया मैं। आने के बाद मतलब बालिका को देखा, किसी भी प्रकार के किसी ने कोई मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, और बिल्कुल उसकी धड़कन चल रही थी। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है पूरे मामले को देख के, क्या आपके आरोप है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने हॉस्टल वार्डन से पूछा कि मैडम मेरी बालिका का क्या हुआ है, आप बताइए मेरे को। उसने बोला कि आपकी बालिका हॉस्टल से छत से गिरी, कूद गई। अगर हॉस्टल से कूदती है, वहाँ पे 4 मंजिल हॉस्टल है, 4 मंजिल से अगर बालिका कूदते हैं तो किसी भी प्रकार का कुछ चोट लगती है। पूरी शरीर उसका बॉडी पूरी चेक की मैंने, ना उसका बॉडी में किसी भी तरह का कोई अंग टूटा हुआ नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या होगा? मेरी बालिका को पूरी तरह से जांच की जाए, पेनल्टी पीएम होना चाहिए, इसके बाद में सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करना चाहता हूँ, इसके बाद में उसकी एग्जाम थी तो एग्जाम कितने बजे एग्जाम थी, उसकी कॉपी भी चेक करना चाहता हूँ, इसके बाद में उसकी कितने बजे छुट्टी होने के बाद कितने बजे हॉस्टल आई, वो पूरा मेरी जाँच चाहिए। आपको लगता है हत्या हुई है उसकी, आपको ऐसा लगता है, आपको आशंका है कि हत्या हुई? वो तो मैं जांच करवाने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ उसके साथ। अच्छा, आपसे बात करती है, कभी बताया कोई परेशानी है हॉस्टल में? उसने मेरे परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं बताई। वो पढ़ने में भी एक नंबर है, कभी भी घर पे आती थी मैं छुट्टी लेने आता था, इसके बाद उसको छुट्टी मिलती थी। बाकी बालिकाओं को पेरेंट्स से लेने आता था, किसके साथ भी उनको दूसरे बालिकाओं को भेज दिया गया था। बाकी मेरी बालिकाओं को मतलब किसी भी तरह कोई छुट्टी मिलती थी। परेशान कर रहा था ऐसा कुछ तो नहीं है उसका? ऐसा अभी तक उसने मेरे को बताया। अच्छा, मोबाइल देखा आपने, मोबाइल में कुछ मिला उसके, ऐसा कुछ मोबाइल वगैरह था? मोबाइल अलाउ नहीं है उसमें, मोबाइल अलाउ नहीं है हॉस्टल में, मोबाइल अलाउ नहीं है। आज जो आदिवासी छात्रावास में एक दुर्घटना सामने आई है, उसमें पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। इसमें एक मर्द कायम किया गया है और जो बच्ची का शव जो है हॉस्पिटल में है, उसका कल सुबह पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसके आधार पर, साथ में जो उसके साथ में जो अन्य बालिकाएं हैं छात्राएं हैं उनके कथनों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस को कितनी बड़ी जानकारी मिल पाई है सर इस संबंध में, के हॉस्टल में इस प्रकार की घटना सामने हुई है? सर्वप्रथम जैसे ही जो बच्ची के साथ ये घटना दुर्घटना हुई, तो यहाँ पर जो है छात्रावास से तत्काल उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे और हॉस्पिटल ने फिर पुलिस को सूचित किया था, जिससे के बाद आगे की कार्रवाई। सर, 3 बजे तक तो पुलिस तक को जानकारी नहीं थी, थाना प्रभारी को मालूम नहीं था कि शाम तक पुलिस को जानकारी मिली है। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब कोई घटना होती है तो तत्काल आदमी उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, चिकित्सीय उसके लिए हॉस्पिटल उनको ले जाया गया। हॉस्पिटल ने क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पहले तो इलाज किया, और जब इलाज के दौरान उन्हें लगा कि ये पुलिस केस है, तब हॉस्पिटल से तहरीर जिसको कहते हैं पुलिस को सूचना की गई और पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई शुरू की।
बयान वगैरह कुछ लड़की हुए सर उनके सहेलियों से पुलिस ने अभी हम लोगों ने बात की, मैंने स्वयं बात की, कलेक्टर साहब ने बात की, और जो विधिवत उसमें बयान है जो विवेचक ने किया जाएगा वो विवेचक उसमें उसकी पूरी बयान भी लेगा, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो CCTV की है उसको भी संज्ञान में लेंगे, कल सुबह पोस्टमार्टम होगा उस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया जाएगा और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई ठीक है। रोल क्या घटना हुई थी सर यहाँ हॉस्टल में? यह आज एक 14 साल की बच्ची है जो हॉस्टल में रहती, 9th क्लास में यहीं स्टडी कर रही थी, उसने 4th मंजिल से जंप करके सुसाइड कर लिया है। सर कौन सा कॉलेज है, छात्रावास है? ये कन्याशाला का छात्रावास है और गर्ल्स हॉस्टल है, और जिसमें उसको यहाँ जंप कर लिया उसने, फिर उसे इलाज के दौरान हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसकी डेथ हो गई। हॉस्टल वालों कहना है कुछ चीट वगैरह पकड़ाई थी उससे? एग्ज़ाम चल रहा था, इंग्लिश का पेपर था कुछ। ये अभी कुछ तथ्य आए हैं सामने, लेकिन अभी जांच का विषय है, अभी इसमें स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी जांच चल रही है, जो भी होगा सामने आएगा। हुई है आज SP साहब और हमने बच्चों से विस्तृत बात करी, विस्तृत बात में यही तथ्य निकल के आए, उसके पिता, इसके अलावा उनके जो बच्चे के परिवार के लोग भी, उसके पिताजी, उसके अन्य परिजन भी आए जो अभी यही है, उन्होंने भी बच्चों से बात करी है, उन्होंने भी यही बात, इस बात पे उनको उस बात की जानकारी बच्चों ने उनको यही दी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर घटना तो कितने बजे की सर सामने नहीं आया? लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच की है, 1:35 के जो वीडियो फुटेज है, वीडियो फुटेज में बच्ची दिखाई दी है जी। मौके सर प्रथम जैसे अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है या नहीं? देखिए अभी चूँकि जैसा मैंने आपको बताया कि वो बिटिया के साथ में ऐसा कोई यहाँ पे दुर्घटना नहीं हुई है, और वो बिटिया किसी चीज़ से व्यतीत होके ऊपर से कूदी जिसके कारण ये दुर्घटना हुई थी, तो अभी फिलहाल और बाकी हम विस्तृत जांच करेंगे, पुलिस भी विस्तृत जाँच कर रही है, इसके अलावा उसका बिटिया का पोस्टमार्टम भी हम लोग करेंगे, और वाकई में दुखद घटना है, हम जिला प्रशासन और सभी लोग जो बिटिया है उसके परिवार के साथ में है, और इसमें हम उनको हर तरह से उनको सहयोग देंगे, हम जो भी हमारा दायित्व है उसके प्रति। सर 1 बजे घटना हुई थी, अधीक्षक ने किन लोगों, अधिकारी वगैरह, वरिष्ठ अधिकारी को सूचना? देखिए उस दौरान अधीक्षिका से जो अभी हमारी बात हुई वो उस दौरान अधीक्षिका जो खाद्यान्न के मसले में कलेक्टेड आई हुई थी जी। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट।